आज की इस खास वीडियो में हम टेंपल माउंट की विशेष जानकारी को प्राप्त करेंगे और ख़ास तौर पर आज मुग्राबी गेट के बारे में जानेंगे, जिससे अन्य जातियाँ टेंपल माउंट एरिया में प्रवेश कर सकती है। टेंपल माउंट एरिया वही है जो परमेश्वर का भवन जहाँ पर था और आज यरूशलम में जहाँ पर डोम ऑफ द रॉक एलेक्सा मॉस्क है, वही टेंपल माउंट एरिया कहलाता है, जो कि ओल्ड सिटी में है यरूशलम में। और जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, मुग्राबी गेट जो कि वेस्टर्न वॉल पर है। और भी कुछ ऐसे रोचक इतिहास के विषय में आज जानकारी प्राप्त करेंगे, तो ज़रूर से बने रहिए इस वीडियो पर। ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये हल आराम शरीफ कहलाती है। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, जिसे टेंपल माउंट भी कहते हैं, और 1, 2, 3, 4 जो भी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज इस जगह पर मौजूद हैं। यहाँ का इतिहास है, बहुत ही प्राचीन इतिहास है, जैसे हम अपनी पुरानी वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन इस जगह पर यहूदियों ने, मुस्लिम समुदाय ने, क्रिश्चियन समुदाय ने, सब ने अपने अपने कब्जे को किया था, तो यहाँ पर सभी कुछ है। यह स्थान की जब शुरुआत हुई थी तो ये एक पहाड़ी था, लेकिन अभी ये एकदम फ्लैट प्लाजा है, जो कि हेरोदेस राजा ने इसे बहुत ही अद्भुत रीति से फ्लैट किया था, और आज भी ये फ्लैट है। और अति प्राचीन इतिहास इस जगह का। समय समय पर अलग अलग शासकों ने यहाँ पर बहुत से कार्य को किया, और बाइबल के अनुसार और मुस्लिम समुदाय के अनुसार, यहूदी इतिहास के अनुसार, यहाँ पर बहुत सी घटनाएं घटी हैं। जैसे आप डोम ऑफ द रॉक के अंदर इस चट्टान को देख रहे हैं, जो कि आधारशिला माना जाता है, जिस पर डोम ऑफ द रॉक की धूल, यहाँ से परमेश्वर ने आदम की रचना की थी और सृष्टि की रचना भी इसी पत्थर के ऊपर से की थी। यहाँ पर अब मुस्लिम समुदाय का कब्ज़ा है, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ बनाया है। और डोम ऑफ द रॉक, उसके अंदर एक गुफा भी है। और यहाँ पर अब जो मुस्लिम समुदाय ने वहाँ के गेट के नाम रखे हैं, वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। लगभग 10 गेट हैं और सिर्फ एक गेट से अन्य जाति, गैर मुसलमान प्रवेश कर सकते हैं, और वो है मुग्राबी गेट, जैसे मैंने बताया कि आज हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। और जैसे आप टेंपल माउंट की टाइमिंग देख रहे हैं, बिल्कुल इसी टाइमिंग से खुलता है, और इसी के अनुसार गैर मुसलमान वहां पर जा सकते हैं। टेंपल माउंट की एंट्री तो फ्री है, परंतु यहां पर जल्दी जाके लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि बहुत से लोग यहां पर आते हैं इसे देखने के लिए, क्योंकि कुछ ही वक्त के लिए खुलता है और फ्राइडे और सैटरडे विज़िटर्स के लिए बंद रहता है। और ये मुस्लिम समुदाय के अंदर है, तो अगर वो चाहते हैं तो वो कभी भी इसको बंद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मुग्राबी गेट से एंट्री लेनी पड़ती है।
ये गेट बहुत महत्वपूर्ण गेट है, इसलिए क्योंकि ये एकमात्र गेट है जिससे गैर मुस्लिम एंट्री लेते हैं टेंपल माउंट में, और यहाँ के अद्भुत इतिहास को वो देख सकते हैं थ्रू दिस गेट। इसे मोर गेट भी कहते हैं।